हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा पिछले 4-5 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में जुटी हुई है और अभी सभी कंट्रीज में उसके इकोनॉमिक साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं और इन सारी बातों से गल्फ कंट्रीज भी कुछ अछूती नहीं। अभी आई एक खबर के अनुसार आने वाले समय में कुवैत में बहुत सारे भारतीयों की नौकरी जा सकती है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा और इससे बचने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। कुवैत गल्फ रीजन का एक छोटा देश है जिसकी लोकसंख्या 45 लाख के करीब है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी 70% लोकसंख्या दूसरे देशों से आई हुई है, जिसमें से सबसे बड़ी भागीदारी भारत की है। यहाँ लगभग 9,60,000 भारतीय रहते हैं और उसके बाद 6 लाख इजिप्शियन, 1.5 लाख सीरियन, 1,30,000 पाकिस्तानी और कुछ ईरानियन, फिलिस्तीनियन और फिलिपिनो लोग रहते हैं। और अभी इस संकट से उभरने के लिए कुवैत की गवर्नमेंट अपने 70% एक्सपैट्रिएट्स में से 40% लोगों की संख्या कम करने वाली है, जिसका इम्पैक्ट इन सारी कंट्रीज पे आ सकता है। तो अभी देखते हैं कि कुवैत को ये करना क्यों पड़ रहा है। इस डिसीजन के पीछे सबसे बड़े दो कारण हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों प्रॉब्लम्स एक ही टाइम पे कुवैत को फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो आपको पता ही चल गया होगा, वो है कोरोना वायरस। उसके वजह से मिडिल ईस्ट की सारी इकोनॉमी 40 साल के सबसे बड़े डिप से गुजर रही है और दूसरा जो है ऑयल प्राइस का गिरना। कुवैत की पूरी अर्थव्यवस्था ऑयल के आसपास ही घूमती है और इस वक्त ऑयल के प्राइस बहुत ही कम चल रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ समय तक वो $50 प्रति बैरल के ऊपर नहीं जा सकते। तो अभी आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में सुधार कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए कुवैत गवर्नमेंट ने यह ठाना है कि वह बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कम करके नागरिकों को जॉब्स में प्राथमिकता देगी। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहली बात है कि अगर कुवैत 40% मैनफोर्स की कमी करता है तो इसका मतलब लगभग 18 से 20 लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली है और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का होगा, मतलब लाखों भारतीय जॉब जाने की वजह से वापस भारत में आ सकते हैं। इस वजह से भारत की रोजगारी और भी बढ़ सकती है। दूसरी बात ये होगी कि कुवैत में रहने वाले इंडियंस बहुत सारे रेमिटेंस भी इंडिया में भेजते हैं, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर भारत की इकोनॉमी में डाले जाते हैं। तो अगर इतने सारे लोगों की जॉब जाएगी तो आने वाले रेमिटेंस में लगभग 30% तक की कमी आ सकती है। तो अब देखते हैं कि इसके लिए भारत क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज जो भारत को करनी है वो है जॉब्स का निर्माण और इसके लिए उसे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना होगा और उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अगर यह सारी चीजें भारत कर पाया तो हम आने वाले संकट को रोक तो नहीं सकते पर कुछ हद तक कम जरूर कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है जो भारत इस संकट का सामना करने के लिए कर सकता है, हमें वह कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।